हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज मैंने बनाए हैं प्यारे से टेस्टी हेल्दी मोदक बनाए हैं मैंने, जो कि गुड़ और गोंद की मोदक है। तो चलिए देखते हैं पूरी रेसिपी, ये टेस्टी हेल्दी कैसे बनाए हैं मोदक मैंने। यहाँ मैंने लिया है घी, जिसमें गोंद को हमें फ्राई करना है, एडिबल गम रहता है ना उसको फ्राई करना है यहाँ पर हमें। तो इस तरह मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, एडिबल गम जो आता है। तो एक बार में ये अच्छे से फ्राई नहीं होते, मतलब फ्राई तो हो जाएंगे बट वो फूटेंगे नहीं, अंदर तक फ्राई नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ, इनको दो बार करके फ्राई करती हूँ। एक बार फ्राई कर लिया, फिर से उनको डबल फ्राई करना है हमें। तो ये एक बार मैं फ्राई कर रही हूँ, निकाल दूँगी और फिर से इनको मैं घी में डालूँगी। तो ये फिर अच्छे से फूटने लगते हैं, आप देख रहे हो फूट रहे हैं, मतलब फूल रहा है, जैसे पॉपकॉर्न फूट फूट होते हैं ना उस तरह से फूटते हैं। तो इस तरह होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मैं दो बार करके इनको फ्राई करती हूँ, एक बार में फूलते ही नहीं है क्योंकि ये तो दो बार ही करना पड़ता है फ्राई इनको। तो चलिए ये फ्राई इस तरह से हो चुका है, इनको मैं निकाल देती हूँ और साइड में रख देती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ फ्राइंग पैन लिया है जिसमें मूंगफली के दाने या डाल रही हूँ एक कप। कोई भी कटोरी का मेज़रमेंट आप ले लीजिए, उस मेज़रमेंट से आप ये सब चीज़ें बनाइए। तो यहाँ मैंने एक कप मूंगफली लिया था। यहाँ चार छोटी इलायची मैं डाल रही हूँ और इनको जस्ट थोड़ा सा सेकना है हमें एक मिनट के लिए। फिर इसमें एक कप भर के मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। तो जितनी मूँगफली थी उतने ही, मतलब तिल लिया है मैंने, एक कप भर के लिया है। और इसको भी हमें सेकना है, रोस्ट करना है धीमी आँच पर। और अभी मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही, तो एक कप भर की अखरोट, बादाम और काजू है यहाँ पे। तो ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छे बच्चों के लिए, बच्चे ऐसे खाते नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसमें सेक रही हूँ ताकि हम मिक्सी में इसको हम फिर पीसेंगे तो पीस जाएंगे तो दिखेंगे नहीं कि ड्राई फ्रूट डले हुए हैं इसमें। चलिए सिकना हो चुका है तो इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर हम इसको करेंगे मिक्सी में पीसेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी का पॉट लिया है, यहाँ ठंडा सब हो चुका है हमारा मसाला। तो इसको हम बीट कर लेते हैं, पीस लेते हैं अच्छे से जो भी हमने सेका था। तो ये सब मैंने डाल लिया है इसमें और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने पीस लिया है, तो काफ़ी सारा हो गया पीसने के बाद। तो इसको मैं आधा निकाल दे रही हूँ थाली में, क्योंकि अभी हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। तो इतना भरा हुआ हम नहीं यूज़ करेंगे, हाफ ऑफ करके डालेंगे। तो यहाँ मैं एक कप भर के गुड़ का ले रही हूँ, टोटल दो कप गुड़ हमें लगेगा। तो आधा आधा करके हम मसाला बना रहे हैं, तो एक कप पहले मैं गुड़ का ऐड कर रही हूँ इसमें, और जो हमने गोंद फ्राई किया था ना तो आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा सेकेंड टर्न में डालूंगी। उसको मैंने गोंद को थोड़ा सा मैश कर लिया था, हाथ से ही क्रंच कर लिया था। इसको पीस लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच बीच में घुमाते हुए इसको पीसना है। तो ये बिल्कुल रेडी है, गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले में। तो इसको निकाल देते हैं एक बोल में और फिर सेकंड टर्न को हम पीसेंगे। तो सेकंड टर्न के लिए मैंने सब डाल दिया है, गोंद, गुड़ और जो मसाला था हमारा सब डाल दिया, इसको भी पीस लेते हैं हम। तो ये पीस चुका है बहुत अच्छे से। पीसते वक्त ध्यान दीजिएगा कि बीच बीच में आपको घुमाते रहना है, क्योंकि गुड़ है ना चिपक जाता है मिक्सी में। तो घुमाते हुए, दो तीन बार घुमाते हुए इसको हमें पीसना है। तुम्हारा मसाला रेडी है, इसमें थोड़ी किशमिश ऐड करी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा किशमिश ऐड कर रही हूँ। मोदक खाते वक्त जब किशमिश मुँह में आएगी तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और दो बड़े चम्मच भर के यहाँ मैं शुद्ध घी ले रही हूँ, घी थोड़ा सा जमा हुआ है, चाहे तो आप मेल्ट करके भी डाल सकते हो, मैंने ऐसे ही डाला है। और इन सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स हम। आप चाहे तो इसके लड्डू बनाइए, लड्डू का शेप देके लड्डू बनाइए, मैंने आज मोदक बनाए हैं पापा के लिए। तो इन सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। किशमिश का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो मैंने लास्ट में ऐड किया है, किशमिश को सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किशमिश तो ऐसे ही अच्छी लगती है, तो इसको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मिक्स हो चुका है, तो चलिए मोदक बनाते थे। हमने मोदक का साँचा लिया है, इस तरह का बड़ा सा साँचा था मेरे पास, तो ये मैंने लिया है। इसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ ताकि अच्छे से हमारा जो मोदक मैं बनाऊँगी तो वो अच्छे से निकल आए साँचे में से ईजिली। तो चलिए इसको भर लेते हैं, जो मसाला है हमारा चम्मच से मैं भर लेती हूँ इसको, और फिर इसको पैक करेंगे तो मोदक का अच्छा सा शेप आ जाएगा। आप चाहे तो लड्डू बनाइए, बढ़िया लगते हैं लड्डू भी, या हाथ से ही मोदक का शेप बनाइए। अगर साँचा नहीं हो तो हाथ से भी छोटे छोटे मोदक का बना सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। बट खाने में मसाला तो हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा मसाला है ये, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, बहुत यम्मी मोदक बने हैं। और ये इस तरह से मैंने खोल दिया और ये मोदक बाहर निकल आया बहुत ईजीली, बढ़िया लग रहा ना मोदक, और बहुत अमेजिंग सा टेस्ट है इसका। बिल्कुल ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे, तो ज़रूर ये रेसिपी मेरी ट्राई करें। इतनी अमेजिंग से और हेल्दी है एक तरह से। और गोंद मैंने डाला है क्योंकि जैसे जोड़ों में दर्द रहता है ना, मतलब घुटने में दर्द, कमर में दर्द, तो उसके लिए गोंद बहुत अच्छा रहता है। तो एडिबल गम आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसमें। और शक्कर के बगैर गुड़ के मैंने ये बनाए हैं तो बहुत प्यारे से हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है सब। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने भोग लगाया है बप्पा को, तो थोड़े से इस पर हम पिस्ता से इसको कर लेते हैं गार्निश।
इतने अमेजिंग है, इतने अमेजिंग मैं क्या बताऊँ, आप ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे खा के देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि पूनम सच बोल रही थी कि बहुत अच्छे और हेल्दी है। पिस्ता से थोड़ा गार्निश कर लिया मैंने इन्हें और बिल्कुल रेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। वाहेगुरु।